at the APMC market area in Bharuch. I have with me Tahir Patel and Rafiq Patel ji, who are telling us about the forthcoming elections. Ab zara bataiye aap kya chahenge chunav mein? Congress sarkar. Congress chahenge hum bhai. Is baar Congress lana chahte hain. Aapki kya shikayat hai Bhajpa sarkar se? Shikayat to mehngai hai, jatiwad hai. GST वाला है, नोटबंदी वाला है जी, उसमें हम लोग जैसे व्यापारी लोग को बहुत तकलीफ है जी, धंधा हो नहीं रहा है, पूरा महंगा हो गया है, जो इधर हम 10 रुपये में खरीदते थे अभी 20 रुपया हो गया है जी, इसलिए हमको बहुत परेशानी है भाजपा सरकार से। और ये ट्रिपल तलाक वाला है जो हमारी शरीयत के साथ वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसे हमारे 1400 साल पहले हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रखा है जो वो उसके साथ चेंज करना चाहते हैं। कानून बनाया है, शरीयत जो बनाई है हम उसी को फॉलो करना चाहते हैं और बीजेपी सरकार इसमें इन्वॉल्व हो रही है जी। तो ये ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे को लेके भाजपा से नाराजगी है? बिल्कुल नाराजगी है। तो वो चुनावी मुद्दा भी बनने वाला है यहाँ पे गुजरात में आपको लगता है? हाँ, हम लोग को लगता है वो बनेगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, डिमोनेटाइजेशन है, GST है, इसकी वजह से आज बिजनेस सारे ठप पड़ा हुआ है सारे लोगों का। और वो अपने भाषण में बात ही कर रहे हैं विकास किया है। हम लोग को नहीं लगता है कुछ विकास हुआ हो जी, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि विकास हो रहा हो जी। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा है बीजेपी गवर्नमेंट में जी। Well, as you can see, some members of the Muslim community angry with the BJP, not just because of inflation and demonetization and GST, but also because of the triple talaq issue. They believe it's an issue that is to do with the community and their faith, and the government should not get involved in it. For the print in Bharuch, this is Ruhi Tiwari.